गुड इवनिंग बच्चों, आज हम चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार है समलंब। अब समलंब किसे कहते हैं हम? वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, और भुजाओं का दूसरा युग्म और भुजाओं का दूसरा युग्म असमांतर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलंब कहते हैं। तो इसकी आकृति कैसे आएगी आपके पास? तो आपके पास ये समलंब ए बी सी डी। तो भुजाओं का ये युग्म समांतर है, और ये युग्म ए डी और क्या कहते हैं बी सी, आपके पास क्या है? असमांतर युग्म है। तो मैं लिख भी देती हूँ, समांतर भुजाओं का युग्म। समांतर भुजाओं का युग्म कौन सा है इसमें? ए बी और डी सी। ए बी और डी सी, जिसमें मैंने ये साइन भी लगा रखे हैं, ए बी और डी सी। असमांतर भुजाओं का युग्म यह आपके पास ए डी और बी सी, ए डी और बी सी आपके पास। तो ये आपके पास हो गया समलंब। इसको कहते हैं हम समलंब, जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है, दूसरा युग्म असमांतर। तो जैसे मैंने ये समलंब ले लिया ए बी सी डी, तो इसमें समांतर भुजाओं का युग्म कौन सा है? ए बी और डी सी ये, और असमांतर भुजाओं का युग्म ए डी और आपके पास बी सी है। अब है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसमें समुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो आपके पास जैसे ये ले लिया मैंने ए बी सी डी, आपके पास क्या समांतर चतुर्भुज हैं। तो समुख भुजाएं ए बी पैरेलल टू डी सी है, और ए डी पैरेलल टू बी सी है। तो आपके पास समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। समुख भुजाएं सामने की, आमने सामने की, तो ये हो गया एक युग्म, ये हो गया और एक युग्म आपका ये हो गया ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे आप? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब है समांतर चतुर्भुज के अवयव। अब इसके समुख भुजाएं तो कौन कौन सी हो जाएंगी? समुख भुजाएं आपके पास ए बी और डी सी, एक जोड़ा ये हो गया आपका युग्म, ये हो गया ए बी और डी सी। दूसरा युग्म होगा आपके पास यहाँ पे आपका ए डी और बी सी, एक युग्म ए बी और डी सी, दूसरा युग्म आपका ए डी और बी सी। तो ये समुख भुजाएं आपकी आमने सामने की भुजाएं। अब समुख कोण, तो समुख कोण क्या होगा आपके पास? ये कोण ए और कोण सी, ये आपके क्या समुख कोण है। फिर इसी तरह से एंगल बी और एंगल डी आपके ये समुख कोण है। तो एंगल ए और एंगल सी, फिर इसी तरह से एंगल बी और एंगल डी, तो ये आपके समुख कोण है। अब आपके पास है आसन भुजाएं। अब आसन भुजाएं आपके पास कौन सी होंगी? ये आपके पास ये इनका क्या होता है? उभयनि शीर्षों। तो जैसे आपके पास ये शीर्ष ले लिया बी, तो आसन कोण का युग्म क्या हो जाएगा? एक युग्म हो जाएगा ए बी और बी सी। सी शीर्ष ले लिया उभयनि शीर्ष, तो सी बी और सी डी हो गया। डी शीर्ष ले लिया तो डी सी और डी हो गया। अगर ए शीर्ष लिया तो ए बी और ए डी हो जाएगा। तो आसन भुजाओं के युग्म लिखने आपने, पहला युग्म हो जाएगा आपके पास, मैंने ए ले लिया पहले शीर्ष, इन दोनों भुजाओं के लिए उभयनि शीर्ष क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा
ए बी और ए डी, ए बी और ए डी। फिर दूसरा युग्म आपका बी ले लिया मैंने उभयनय शीर्ष, तो बी ए, बी ए और आपका क्या आ जाएगा बी सी। फिर आपके पास तीसरा युग्म हो जाएगा इसका, फिर मैंने सी ले लिया उभयनय शीर्ष, तो सी बी और सी डी, सी बी और सी डी। फिर मैंने डी ले लिया उभयनय शीर्ष, तो डी सी और डी ए। तो आसन भुजाएं जिनका उभयनय शीर्ष हो, जिन भुजाओं का उभयनय शीर्ष हो, तो वो क्या होती है आपकी आसन भुजाएं होती है। चौथा आपका डी सी और डी ए, तो चार युग्म होते हैं आपके पास आसन भुजाओं के, डी सी और डी ए। तो यह आ गया अब आसन कोण, एक भुजाओं, एक भुजा पर बने कोणों को हम क्या कहते हैं आसन कोण। तो भुजा ए बी ले ली, तो इस पर दो कोण कौन कौन से बने, ए बी, ए और बी। तो एंगल पहला युग्म आ जाएगा एंगल ए और एंगल बी। फिर भुजा बी सी पे ले लिया, तो क्या आ जाएगा दूसरा युग्म एंगल बी और एंगल सी। फिर भुजा सी डी पे ले लिया, तो क्या बनेगा एंगल सी, ये है सी डी आपके पास, तो एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी। फिर ये डी ए उस पर ले लिया आपने, डी ए भुजा पे ले लिया, तो क्या बन जाएगा आपके पास एंगल डी और एंगल ए। तो ये आपके पास ये समांतर चतुर्भुज के क्या है अवयव हैं। अब है समांतर चतुर्भुज के गुण, क्या गुण है इसके, पहला गुण है इसका समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, तो आपके पास ये मैंने खींच रखा ऊपर समांतर चतुर्भुज, तो ए बी बराबर डी सी होगा, सम्मुख भुजाएं ये हैं, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बराबर डी सी और दूसरा क्या होगा ए डी बराबर बी सी, ठीक है। फिर दूसरा समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। असम्मुख कोण क्या होंगे आपके पास, ये असम्मुख कोण है एंगल ए एंगल सी, फिर दूसरा युग्म क्या है एंगल बी और एंगल डी, तो एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। फिर तीसरा है आपके पास समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्वि, चलो इसको आगे लिख लेते हैं, समद्वि भाजित करते हैं। क्या मीनिंग हुआ इसका, आपके पास विकर्ण क्या होंगे इसके, ए सी और बी डी होंगे, तो ये परस्पर एक दूसरे को क्या कहते हैं समद्विभाजित। तो ए सी क्या करेगा बी डी को समद्विभाजित करता है, समद्वि, समद्विभाजित मीन्स दो बराबर भागों में बांटना, तो बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। और इसी तरह से बी डी ए सी को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, मीन्स ए ओ बराबर ओ सी। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, बी ओ बराबर ओ डी। थैंक यू।